ओके तो सबसे पहले डेटाबेस बना लेते हैं, एक डेटाबेस तो ऑलरेडी बना हुआ है, कोई भी एक डेटाबेस हम लोग इसमें से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो ये जो डेटाबेस बना हुआ है सद्दाम नाम का, इसके अंदर हम लोग एक टेबल शायद बना हुआ है, ये टेबल देख लेते हैं इसमें अंदर कितने कॉलम्स है। कॉलम्स जी इसमें आईडी नेम है, इसको हम थोड़ा अल्टर करके इसमें क्या कर लें कि एक इमेज का बना दे, क्या कर दे इमेज का बना दे, ठीक है। तो हम लोग जस्ट इसमें एक इमेज का बना लेंगे, आईएमजी यूज कर लिया, इसके लिए इमेज डेटा टाइप यूज होता है यहाँ पे इमेज, इसको भी नल कर दिया, नॉट नल, ये इसको प्राइमरी की सेट कर लो, ठीक है। और इसके बना दो कि ये एक कैसा हो जाएगा जी, ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस पे जस्ट डबल क्लिक करेंगे, अच्छा ये नहीं हुआ, ये हो गया, यस ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, ओके इसको सेव कर ले रहे, ये सेव भी हो गया। इसके अंदर देखते कुछ डेटा है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता कि डेटा होगा इसके अंदर कुछ भी, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, ना आईडी है, ना नेम है, ना इमेज है, करेक्ट। चलो हम लोग ये यूज कर रहे थे ना वीवी डॉट नेट क्लास डेमो, हाँ चलो सिंपल प्रोसेस में चलेंगे। एक नया फॉर्म बना लेते हैं, एक नया फॉर्म बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं क्या विंडोज फॉर्म, इसमें लिख दे रहे क्या इमेज है ना, ऐड करा दिया, ठीक है। इसमें टूल बॉक्स से उठाएंगे कुछ चंद चीज, जो कि पहला होगा टेक्स्ट बॉक्स, जिसे हम लोग क्या भेजेंगे बोलो, नाम भेजेंगे, दूसरा क्या भेजेंगे जी पिक्चर, तो अपने को पिक्चर बॉक्स चाहिए अभी यहाँ पे, तो हम लोग पिक्चर बॉक्स भी ले ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा लेते हैं है ना, इतना बड़ा। और तीसरा एक बटन ले ले रहे हैं जिससे सेव करने पे वो हो जाए, बटन हाँ यहाँ पे बटन आ गया। मैं ज़्यादा इन सबको डिज़ाइन वगैरह तो नहीं करने वाला हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा इधर करता हूँ, इधर मैं डेटा ग्रिड भी लाऊंगा जिसमें आपको नेम आईडी और वो चीज़ दिखेगा, ठीक है। फिलहाल इतना हो गया, इससे पास करेंगे नेम, ठीक है, इससे पास करेंगे नेम, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते सो दैट कि आप लोगों को दिखे, इससे पास करेंगे नेम, ठीक है। इससे पास करेंगे नेम, ठीक है। अभी पहले इसके लिए हमें क्या करना है कि एक तो हमें डायलॉग बॉक्स उठाना पड़ेगा, फाइल डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स छोड़ दिया इसके ऊपर। अब हम क्या चाहते हैं, हम फोटो पे ही क्लिक करें, फोटो पे ही क्लिक करें तो क्या हो जाए, इसमें एक बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा देते हैं, चलो बैकग्राउंड में कोई एक इमेज लगा दे रहे, यस ये रहा इसका बैकग्राउंड इमेज, तो चलो जी चलते हैं, ये आ गया है, पाँच मिनट बस, ये देखो इसको हम लोग थोड़ा स्ट्रीच कर ले रहे हैं, ठीक है, ये आ गया इमेज इसमें। अब जब हम इसी पे क्लिक करेंगे, माउस ओवर कर ले रहे हैं जरा से, इसको डिफॉल्ट कर्सर है, इसको हम लोग हैंड ले रहे हैं, ठीक है, इसको भी हैंड ले ले रहे हैं, ये सब अपना हाँ ये ऑलरेडी हैंडी है, ठीक है, इस पर हम लोगों ने हैंड लिया है, ले लिया है।
अब देखो जब हम लोग इसको रन कराए तो क्या हो कि अभी तो क्लिक करेंगे इमेज पे तो कुछ होगा भी नहीं, पता नहीं कौन सा फॉर्म रन कर जाएगा, ये कर गया, इसको स्टॉप करते हैं, हमें ये वाला रन कराना है। तो अभी राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद स्टार्टअप फॉर्म अपना इमेज फॉर्म इस पैलेस रन है गुड, और ये स्टार्ट। तो अब ये फॉर्म रन कर गया है, आप देखिए इस पर अभी कितना भी क्लिक करें कुछ भी करें कुछ नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो अभी हम लोग को क्या करना है इसको कि अभी क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है डबल क्लिक ताकि एक बॉक्स खुले, डबल क्लिक किया देखना डबल क्लिक हो गया जी। और हमें करना है क्या, ओपन फाइल डायलॉग 1.show डायलॉग ठीक है, और उसके बाद पिक्चर बॉक्स में इमेज रखना है, तो पिक्चर बॉक्स 1.इमेज इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, उसके अंदर क्या ओपन फाइल डायलॉग 1.फाइल नेम हो चुका, ये काम यहाँ पे ख़त्म ठीक है। या अब इमेज उसमें आ जाएगा, अब इसको आप लोग डबल क्लिक करें इस पर, देखिए ये लेके चला गया है इमेज के पास, हम कोई भी इमेज इसमें से ले रहे हैं ठीक है ना, इसको उठाया। अब ज़रा देखिए बट ये इमेज कंप्लीट मुझे नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे उसको, तो यहीं पे क्लिक कर ले रहे हैं और साइज मोड यहीं पे सेंटर स्ट्रेच इमेज कर ले रहे हैं। अब आई होप कि ये अच्छे से काम करेगा, चेक कर ले रहे हैं हम लोग। देखिए ज़रा किसी भी इमेज को उठाए, देखो इस पर फिट हो रहा है, फिर से दूसरा इमेज सेलेक्ट करना है फिट हो रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। देखिए जिस इमेज को उठाइए इसी पर डबल क्लिक आपको जस्ट करना है, इसी पर डबल क्लिक करना है, जितना इमेज चेंज करना है कर सकते हैं आप, जो इमेज लास्ट में सेलेक्टेड होगा वही सेव होगा डेटाबेस में करेक्ट ओके। अब चलिए इसके लिए हमें डेटाबेस का क्वेरी करना है, क्वेरी करना है ठीक है, तो डबल किया क्लिक यहाँ बटन पे, और डबल क्लिक बटन पे किया तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कनेक्शन वगैरह बनाना है, तो हम लोग कनेक्शन वगैरह बनाने का काम इसमें होगा ही कनेक्शन, तो हम लोग उठा लेते हैं, बनाएंगे नहीं, ये है जी कनेक्शन है ना, ये भी है कनेक्शन है ना, तो हम ये कनेक्शन को उठा लेते हैं, यहाँ से रख दिया कनेक्शन यहाँ पे, हो गया। ट्राई ब्लॉक में उसको डाल देते हैं, ट्राई कैच ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अभी इसका पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ तो मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये इंपोर्ट हो गया इसका पैकेज। अब देखो एरर आना बंद हो गया है, एमएसजी बॉक्स अगर कोई मैसेज आए तो ex.message ठीक है, ये एरर भी जनरेट हुआ अगर होगा तो हो जाएगा। अभी कनेक्शन ओपन कर लिया है, बाद में भी कर सकते हो ओपन, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो ओपन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, कमांड लिखना होगा जी, डीम cmd as न्यू SQL कमांड दिया यहाँ पे। देखो हमें क्या भेजना है, दो चीज़ हमें पास करना है जी, पहला तो कनेक्शन का ये, और दूसरा हमें इंसर्ट का कमांड परफॉर्म कराना है, तो हमें बोलना है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम टाटा है, हमें टेबल में वैल्यूज पास करना है। डेटाबेस का नाम सद्दाम था यहाँ पे हमने डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया, तो हमें सेलेक्ट करना है डेटाबेस इक्वल टू SADM और ये ठीक है। हाँ जी कनेक्शन का यहाँ पे कौन होगा, दो तो थोड़ा एरर है ठीक है ओके। अब यहाँ पे हो गया, अब देखिए वैल्यूज, तो वैल्यूज में कुछ मत कीजिए, नेम ऐसे पास कीजिए, और दूसरा @image पास कर दीजिए। ये थोड़ा दूसरा तरीका मैं आज इंसर्ट करने का आप लोगों को दिखा रहा हूँ इमेज के लिए। इसको हम लोग पैरामीटर एक एट्रीब्यूट है कमांड का, जिसके जरिए हम लोग करके देखेंगे इंसर्ट ठीक है। तो देखो कि कैसा जाएगा, अभी हमें कराना है cmd.parameters.addWidthValue यहाँ से हमें पास कराना है, तो डबल कोट और नेम के जगह पे क्या रखे जी, नेम रख दिया, दूसरा नेम कहाँ से उठ के आ जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स से, textbox.text दे दिया, पहला तो हो गया। दूसरा क्या पास करेंगे, cmd.parameters.addWidthValue
इसमें हमें क्या पास कराना है, इमेज, तो एट द रेट ऑफ इमेज लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा इमेज में अभी कुछ हम टेक्स्ट पास कर देंगे, ठीक है, या हम सिर्फ यहाँ पे लिख दे रहे हैं इमेज इमेज, ठीक है। और हमें क्या करना है, कनेक्शन तो ओपन करना है, तो सी एम डी हो गया है वो, और हमें एग्जीक्यूट इसका नन क्यू भी कर देना है, ये हमारा हो गया। अगर ये सेव्ड होता है सक्सेसफुली तो एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे बोल देगा सेव्ड सेव्ड डेटा सेव, ठीक है ये। अब इसको रन कराते हैं, हम लोग चेक करते हैं, एक तो नेम हमने पास किया, अभी कुछ अपलोड ये करना नहीं है। अभी देखो एक स्केलर वेरिएबल हो गया इमेज के, मस्ट डिक्लेयर द स्केलर वेरिएबल, ये बोल रहा है कि आपको ये नहीं जाएगा ये, तो आपको इसको किसका, ये वाला इमेज होना चाहिए, ठीक है। ये कंटिन्यू ब्रेक हमने कर दिया है इसको, और फिर से इसको रन कराते हैं। ये हम लोग नाम पहले एंटर करा के देख रहे हैं, तो देखो अभी बोल रहा है ऑपरेंड टाइप क्लास, दो कि एन वर्कर ना इमेज के साथ क्या है, कंपेटिबल नहीं है, तो हमें इमेज यहाँ से पास करना पड़ेगा। अब तो इमेज पास करने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए, इमेज पास करने के लिए कुछ नहीं, हमने बताया था दो तीन चीज़ आप लोगों को, देख लीजिए वो चीज़ है। पहले सोच तो मैं सेव कर लूँ, एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ जिसमें आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ अपने लोगों को ज़रूरी पड़ता है, उसमें से जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। डेबी आई थिंक ये खुल गया है, हाँ ये इमेज का इंसर्शन प्रोसेस है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें से सिर्फ कॉपी, पहले देखिए ये कर दिया इसको कॉपी, एक टेक्स्ट बॉक्स मैं पहले ले लेता हूँ, टेक्स्ट नोट पैड ओपन कर लेता हूँ जिसमें सारे चीज़ों को लिख के रख सकूँ। पहला तो ये इम्पोर्ट करना है, पहला बात, ठीक है ये पैकेज। दूसरा देखिए क्या करना है, उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है मेमोरी स्ट्रीम का, ये देखिए, ठीक है बन गया आई एम जी। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए पिक्चर बॉक्स का एक सेव मेथड है, ये देखो ये दोनों हटाओ, हटा इसको नोट पैड में डालो, डाल दिया, दो चीज़ ये आया, कितना लाइन अभी ऐड करेंगे हम लोग, ये दिखा रहे, ये दो चीज़ हुआ। तीसरा चीज़, तीसरा हमको आई एम जी टू आयरे करना है बस, और कुछ कहीं चेंजिंग नहीं होगा। देखिए यही तीन लाइन ऐड करेंगे और हमारा इमेज ऐड हो जाएगा, क्योंकि इमेज का फॉर्मेट अलग होता है, टेक्स्ट में नहीं होता है। ये आई एम जी इस केस में यहाँ पे ये आई एम जी लिखा हुआ है, हमारे केस में क्या होगा पता नहीं, हम लोग जो बनाएंगे सो होगा वो होगा, ठीक है। तो पहले तो हमें अब क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे अभी, ये वाला बीबी डॉट नेट क्लास डेमो, खुल गया ये वापस, खुला। अभी देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है जी, नोट पैड में जाए, सबसे पहले ये पैकेज इंपोर्ट करना है, कर दिया वो सिंपल सा तरीका, पैकेज इंपोर्ट किया, हो गया पैकेज इंपोर्ट। अब देखो क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप आई एम जी नाम से बनाए, जो मर्जी हो उस नाम से बना ले, ऊपर नीचे जहाँ दिल करे बना ले, हम लोग यहीं पर बना ले रहे हैं, कहीं पर भी बना लिया। देखो आई एम जी नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया, आप आई एम जी लिखिए, इमेज लिखिए, यह वेरिएबल है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ये देखो ये लाइन आना चाहिए यहाँ पे, कहाँ चला गया, हाँ कहीं पे लिख दो, कोई इशू नहीं, यहाँ पे भी लिख सकते, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये आई एम जी का यूज़ करते हुए ये क्या हो गया, समझना ज़रा, कि ये जो पैकेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग इम्पोर्ट, उसके अंदर ये क्लास है मेमोरी स्ट्रीम, इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया आई एम जी, इस ऑब्जेक्ट के मदद से इसका जो ऑब्जेक्ट बना मेमोरी स्ट्रीम मेमोरी पे, वो सेव मेथड के जरिए, क्योंकि पिक्चर बॉक्स का में इमेज जो है ना उसका हमें सेव करना है, पिक्चर बॉक्स में इमेज जो है ना वो हमें सेव करना है, तो सेव मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जिसके अंदर दो पैरामीटर पास करता है, ये मेमोरी स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट और दूसरा पिक्चर बॉक्स में इमेज का रो फॉर्मेट, ठीक है। वो रो फॉर्मेट कैसा बनेगा अभी देख पाइएगा आप लोग। और दूसरा यहाँ पे कुछ नहीं, ये देखे ये वाला लाइन हमें एरे के सिंटेक्स में उसको रखना है, एरे के फॉर्मेट में रखना है, तो यहाँ पे जस्ट ये एरे और ये काम यहाँ हो जाता है ख़त्म। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है और यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी यही यूज़ हो रहा है, यानी कि आपको इमेज रखने के लिए चार लाइन यूज़ करना पड़ा। अब देखते हैं कि हमारा इमेज जाता है कि नहीं,
ठीक है, हम लोग नेम दे देते हैं टाटा, ठीक है, प्रोजेक्ट में ये गया इमेज और हमने सेव करना है। ये देखे सेव्ड सक्सेसफुली, कहीं कोई इशू नहीं। अब देखे इसको जरा हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए ये कैसा रखा है इमेज के लोकेशन पर। देखिए ये इमेज तो नहीं है, ये एक एरे के फॉर्मेट में एक हेक्स कोड में जा चुका है, जैसे कि आप लोग जानते हैं इसको कि 0 to F तक चलता है जी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, देखे इसको, इसमें इमेज तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, बट ये इमेज का ही कोड है हमारा, ये इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम दो तीन इमेज और रख ले रहे हैं या फिर एक ही इमेज अभी रहने देते हैं। अब हम कैसे, अब जो दूसरा सवाल था आप लोगों का कि डेटा ग्रिड व्यू को डायरेक्टली हमें उठा के डेटाबेस से ले आना है, हम कोई डेटाबेस यहाँ लेंगे नहीं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ईजी काम है। देखिए ज़रा हम चलेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम डेटा सोर्स में जाएंगे, डेटा सोर्स का कनेक्शन है। अगर यहाँ पे डेटा सोर्स का विंडो नहीं है तो वो कैसे लाना है ये आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, फिर अब हमारा क्या काम है, नेक्स्ट करेंगे, फिर हम कनेक्शन बना लेते हैं। तो कनेक्शन हमारा क्या बनाना है जी, लोकल से बनाना है, तो कनेक्शन बना रहे लोकल, कनेक्शन बन गया। अब ये जब कनेक्शन बन गया तो अब हमारा डेटाबेस का लिस्ट आएगा, हम लोग डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सद्दाम, ओके फाइन, कनेक्शन टेस्ट कीजिए, कनेक्शन ओके। फाइनली हमें अब क्या कर लेना है, यहाँ पे ओके कर लेना है, ओके करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद ये कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे, ये बन गया। ये देखिए अब मेरा टेबल आ रहा है, तो मेरा टेबल का नाम क्या था, टाटा था, टाटा के अंदर कितना चीज़ है, ये तीन चीज़ है, हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद इधर देखेंगे कि आपको एक डेटा सेट बन के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये अभी बन जाएगा। ये देखिए ये डेटा सेट बन के आ गया। इसके दो व्यू होते हैं जी, एक तो होता है इसका डिटेल्स, ठीक है, और दूसरा होता है इसका डेटा ग्रिड व्यू, ठीक है। तो ये डेटा ग्रिड व्यू में रखेंगे और जस्ट इस पे माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ बन के तैयार हो गया है, मुझे अलग से कुछ नहीं लेना पड़ा, करेक्ट। अब देखिए अब हम जैसे इसको रन करेंगे, अब जैसे इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये इमेज इसमें आ जाएगा। रन करते इसको आप देखें इमेज इसमें आ रहा है बट बहुत छोटा आ रहा है ना, तो इसका हाइट हमें बढ़ाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बढ़ा देते इसका हाइट कुछ, ठीक है। आप चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा रो आ रहा है इसको हटा सकते, सिंपली यहाँ पे खत्म कर दीजिए सब एडिटिंग वगैरह, और इसको चाहे तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए क्या सिंपल सा बात है, एड में जाएंगे, यहाँ पे img शो कर रहा है तो इसका टेक्स्ट चेंज कर लीजिए थोड़ा, कहाँ चला गया टेक्स्ट, आई थिंक हेडर टेक्स्ट यहाँ है, उसको बोल दीजिए इमेज, ठीक है, हो गया जी। अब नेम का एन कैपिटल कर लो, हो गया। ये देखो आईडी के लिए हमें सीरियल नंबर बोल देना है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर बोल दीजिए, एसएल नंबर, ठीक है। टेक्स्ट सिर्फ आपको चेंज करना है, ध्यान रखिएगा जी, एसएल नंबर हो रहा है एडिट भी, करेक्ट, कोई परेशानी, देखो ये हो गया अपना, है ना, ये हो गया। चलो अभी फिर से रन करें, इसकी ज़रूरत है तो आप रहने दे, क्योंकि ये नेविगेशन बार है, इसको नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप टाटा बाइंडिंग नेविगेटर को हटा दे देंगे, ये डिलीट हो जाएगा, आपके कुछ पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, सिर्फ वही डिलीट हुआ है, ठीक है। अब देखें सिर्फ यही डेटा आ रहा है। अब इसके हाइट को कैसे बढ़ाते हैं हम लोग, देख लीजिए, चले जाइए प्रॉपर्टी विंडो में, इसको सेलेक्ट करने के बाद, इसके बाद इसका रो टेम्पलेट कहीं लिखा होगा, जरा गौर करें, रो टेम्पलेट शायद आप लोगों को नज़र आए हो, मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आया, आ गया रो टेम्पलेट, ठीक है। रो टेम्पलेट में इसे मुझे क्या करना है जी, इसका हाइट बढ़ा देना है मुझे, हाइट कितना है 20, हाइट 100 कर दीजिए, काम खत्म हो गया यहाँ पे, अब इमेज यहाँ पे कम्प्लीटली नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इमेज थोड़ा आपको बड़ा करके नज़र आएगा, ठीक है। अभी पूरा इमेज आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, पूरा इमेज आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी हम दूसरा कोई इमेज आपको डाल के दिखाते हैं, ठीक है। चलो मैं दे देता हूँ ABC कुछ भी, अब इमेज दूसरा ब्राउज करते हैं, इमेज इसको लेते हैं जी, इसका सकल सूरत भी है। तो आप अब देखें कि या तो यहाँ रिफ्रेश भी नहीं हो पाया, ये कोई बात नहीं, फिर से हम कर देते हैं, रिफ्रेश करने का तरीका क्या है वो भी अभी बताएंगे। ये देखें सकल सूरत इसका पूरा नहीं आ रहा है, बट उससे पहले उसको भी ठीक करेंगे, और उससे पहले मैं इसको रिफ्रेश कैसे कर सकता हूँ, तो ये देखिए ये बटन क्लिक पे ना एक लोड इवेंट हमें जनरेट कर, जब डेटा सेव हो जाए तो यहाँ पे क्या बोल देना है कि ये जो फॉर्म है ना उसको रिफ्रेश कर दो, फॉर्म को क्या कर दो, रिफ्रेश कर दो, क्या कर दो, रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करने के लिए हमें क्या करना है, इमेज लोडर, उसके बाद कर देना है सेंडर और कॉमा ई, यानी कि
इसका जो ऑब्जेक्ट है ये सेंडर को हमने क्या कर दिया है, इवेंट कर दिया है। ये फॉर्म लोड इवेंट कहाँ चला गया, फॉर्म लोड इवेंट कहीं बना होगा नीचे में देखे, ये देखिए इमेज फॉर्म लोड सेंडर। तो यानी हम लोड ने इस ऑब्जेक्ट के मदद से इसके मदद से हम लोग उसको रिफ्रेश कर ले रहे हैं। देखिए कि कैसे हो जाएगा अब रिफ्रेश। देखिए हमने दिया है एक्स वाई जेड इमेज, इसमें से कोई भी एक ले रहे हैं, इसको ले ले रहे हैं। देखिए अब जैसे ही सेव किया, देखो इमेज इसमें आ गया है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। अभी हमारा क्या काम है, क्विक बोलो क्या काम है, ये जो अब ये चीज बचा कि हमारा इमेज कंप्लीट नजर नहीं आ रहा है तो क्या करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, इस पे जाएंगे और इसके प्रॉपर्टी में चलेंगे, यहाँ से एडिट कॉलम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इमेज वाले को सिर्फ देखना है। अभी देखो इसका साइज मोड कैसा है जी, नॉट सटेबल, इससे तो नहीं होगा, ये जाहिर सी बात है इससे नहीं होगा, इसका हमें स्ट्रेच करना होगा। हाँ जी इमेज लेआउट कैसा है, नॉर्मल, क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच, ओके फाइन। अब देख सकते हैं आप लोग इमेज आपको पूरा पूरा नजर आएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख दे रहे हैं, लेट्स ले ले कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई एक इस इमेज को ले ले, ठीक है। देखे ये इमेज इसमें जा रहा है ऑटोमेटिक, देखे स्क्रॉलर भी आ गया आपका, ठीक है। और इमेज ऐड करो, कोई बात नहीं है, है ना लाला जी, कुछ भी डालें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें से ये ले लें, ठीक है, इसको भी डालें। देखे ये इमेज ऑटोमेटिक इसमें आते जा रहा है, सब कुछ ये स्क्रॉलिंग हो रहा है आपका, देख पा रहे आप लोग, है ना। तो ये देख सकते हैं आपको स्क्रॉलिंग भी मिला है। तो ये इमेज रखने और निकालने का तरीका था, ये आप लोगों ने देख लिया, आपका भी इशू सॉल्व इसमें कि अब कैसे हमको ये निकाल के इधर देना है, इमेज रखने का तुम्हारा सॉल्व, सबका जितना भी इशू था यहाँ आज हो जाता है खत्म। लॉगिन का सवाल बचता है, तो अभी थोड़ा वक्त है, लॉगिन को भी देखेंगे, लॉगिन आज बता ही देंगे हर हाल में, उसके बाद ही फिर कुछ करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से आप लोगों का सिर्फ जो क्वेश्चन फंस रहा है उसी के ऊपर बात करेंगे, बाकी कोई बात नहीं होगी कोर्स से रिलेटेड, ओके फाइन। तो सब लोग अपना अपना क्वेश्चन लेके आएंगे और अपना क्वेरी करेंगे, दो चार दो तीन क्लास से ज़्यादा नहीं चलेंगे, दो या तीन क्लास चलेंगे और कहानी खत्म कर देंगे, ओके गुड। तो यहाँ तक के लिए हो गया, फिर लॉगिन को भी देखेंगे, अभी तक के लिए ओके फाइन।